संदीप सर प्रभा खेतान फाउंडेशन जब आपने शुरू की थी तब आपने क्या सोचा था और आज प्रभा खेतान फाउंडेशन जो कार्य कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि आप सही पद पर हैं और इसमें आ, और कहा आप अपने आप को देखते हैं आगे प्रभा खेतान फाउंडेशन मैंने नहीं शुरू की थी प्रभा खेतान फाउंडेशन का काम मैंने आगे जरूर बढ़ाया है और जितना काम हमने सोचा था हमें लगता है कि उस तरफ हम काम आगे बढ़ा रहे हैं तो लगभग साठ शहरों में हम काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि इससे ज्यादा और शहर बढ़ाने की हमारी अभी तो काबिलियत भी नहीं है और इससे ज्यादा क्षमता भी नहीं है तो जितना हम कर रहे हैं उतना बहुत है जब अपने क्षेत्रीय लैंग्वेजेस पर काम करना शुरू किया क्या शुरुआत में चैलेंजिंग था या फिर लोगों ने हाथों हाथ लिया नहीं नहीं बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं को एक तो क्षेत्रीय भाषाओं के ऑथर्स को ढूंढना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं के जो जो भी बीस बाईस क्षेत्रीय भाषाओं में जो हम काम कर रहे हैं वो सब हम वहां के लोकल एनजीओ जो लोकल जो हमारे एनजीओ है उनके साथ काम कर रहे हैं हर भाषाओं का एक लोकल एनजीओ हमारा उसके साथ पार्टनर है जो हमें लोकल ऑथर लाता है दूसरा उन लोकल ऑथर्स को उन क्षेत्रों से समझा के शहर में भी अपने यहां पे लाना एक चैलेंज है जैसे जब पटना में हमारा पहला कार्यक्रम हुआ तो पटना के टाउन हॉल में जो प्रोग्राम था तो जैसे हमारा कार्यक्रम तीन बजे था तो जो हमारे लोकल एसोसिएट हैं वो जब एक बजे गए तो हॉल पूरा भरा हुआ था तो उन्होंने हॉल के प्रबंधक को कहा कि जो पिछला कार्यक्रम है उनको बोले खाली करें बिकॉज हमारा कार्यक्रम है तीन बजे तो हॉल के प्रबंधक ने कहा कि ये जिस गांव से आपका लेखक आ रहा है उस गांव के लोग सुबह ही ट्रैक्टर से आके हॉल में आ गए उनके उनके, उनके गांव से पहली बार किसी आदमी को पटना बुलाया गया है कार्यक्रम के लिए तो पूरे हॉल को पहले एक बजे से गांव के लोगों ने आके भर दिया अब इस तरह से ही एक बार जब एक हमने लेखक को बुलाया तो जिस होटल के साथ हमारा टाइप था उसमें नए रूल्स के कारण उसमें खिड़की खोलने की सुविधा नहीं थी तो उसने सोने से मना कर दिया कि मुझे बंद कमरे में सोने की आदत ही नहीं है तो मैं उसे उस होटल से शिफ्ट करके उस होटल में ले जाना पड़ा जहां पे वो खोल के सो सके तो क्षेत्रीय भाषाओं के ऑथर्स को डील करना बिकॉज वो ग्रामीण परिवेश में में कि उनको शहरों कार्यक्रम कराना बहुत चैलेंजिंग रहा हमारे लिए ट्रांसलेशन पर भी आपने उनका बताया था एक एग्जांपल एग्जाम्पल जैसे हाँ। मैं, मैं उत्तराखंड से आता हूं और हाँ। हमारे नरेंद्र सिंह नेगी बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं बहुत शानदार राइटर हैं हा� तो उनको अगर दूसरी भाषाओं और बोलियों में अगर कोई सुनना चाहिए या किसी भी अन्य प्रदेश के बड़े लेखक तो उस, उनके लिए भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं उन लेखकों के लिए देखिए ये एक बहुत चल... इन... जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उसमें अभी भी ये सुविधा उपलब्ध है कि आपका अगर फ्रेंच लैंग्वेज को जर्मन में करना है तो उसकी सुविधा है लेकिन अगर अभी आपको बंगाली लैंग्वेज को तमिल में करना है तो वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आपको पहले बंगाली लैंग्वेज को इंग्लिश में कराना होगा फिर इंग्लिश को तमिल में कराना होगा बंगाली से तमिल में हो यह थोड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल और जटिल कार्य इसमें कोई दो नहीं है